क्योंकि आज हमारे साथ कोई भी मौजूद नहीं है, सब बिजी हैं। और आयशा भी पता नहीं कहाँ बिजी हो गई है, और तहमीना तो पहले ही बीमार है, टाइफाइड में मुबतला है। जल्दी जल्दी वो ठीक हो जाए, अल्लाह पाक उसे सेहत याब करें जल्दी जल्दी से। आप सब व्यूवर्स की जो दुआ है हमें चाहिए। तो मैं एक चीज़ तो बताना भूल गई हूँ, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सो। मैंने कहा क्यों ना थोड़ा स्टार्ट करके प्रोग्राम को, आज प्रोग्राम में स्टार्टिंग में चाय पी जाए, कुछ फन किया जाए, कुछ इंजॉय किया जाए। आयशा भी इधर ही गई है, लेकिन पता नहीं कहाँ गुम हो गई है। आई थिंक सो वो चाय पीने में मगन है। लेकिन मैं व्यूवर्स के बगैर नहीं ना रह सकती, जब तक मैं आप लोगों का दीदार ना करूँ और आप मेरा ना करें तो कैसे गुजारा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो मैंने कहा आयशा बाद में आएगी, पहले मैं जो है ना मैं चाय पी लूँ क्योंकि चाय के बिना गुजारा नहीं है, चाय के बिना गुजारा नहीं है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मेरे बगैर ही आपने शो शुरू कर ली है। बिल्कुल आप लेट है मोहतरमा। मैं लेट नहीं थी, मैं जरा थोड़ी चाय में मगन थी इसलिए मुझे पता नहीं चला टाइम क्या हो गया है। जी नाज़रीन कैसे है, देख लें आज सोनी ने मेरे बगैर ही जो है शो शुरू कर दिया है, और आज जो शो भी इतना खास था मेरे बगैर वो भी। बिल्कुल चाय तो चाय वो फिर चाय में बंदा बिजी हो ही जाता, मुझे आप आवाज़ भी दे लेती। आपने कहा वही क्यों ना शुरू कर लूँ, तो और क्या। जी व्यूवर्स, आपकी दोनों प्यारी प्यारी स्वीट की क्यूट स्वीट मोस्ट ब्यूटीफुल होस्ट प्रोग्राम में आ चुकी हैं और मौजूद हैं। आज का प्रोग्राम एक नया दिन, एक नई सोच, एक नया आगाज और एक नया साल शुरू हो चुका है, और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आयशा ईमान और सोनी राणा और हमारा प्रोग्राम नई सो ऑन चैनल सिटी 55। जी आयशा कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, क्योंकि नया साल शुरू हो गया है और नए साल की खुशी बहुत ज़्यादा है। आपका दिन कैसा शुरू हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, और न्यू ईयर के हिसाब से मैडम बन छन के आई हैं, पता चल रहा है। अच्छा न्यू ईयर आया, अब सेलिब्रेट भी तो करना है ना। इस बंदी का एक बड़ा मजे का जो है ना वाक्य, या जो कहते हैं एक बड़ी मजे की बात है कि ये बन ठन की आ जाती है और मैं बस सोई उठ के ब्रश करके तो इधर आके सब कुछ कर। क्या आपको देख के कहा जा सकता है कि आप बस उठ के आ जाती है? देखिए मैडम मेरी ड्रेसिंग से भी पता चलता है न्यू ईयर जो है ना वो बस उन लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं है। मैं देख नहीं, नहीं आपका मतलब किन लोगों से मतलब आप नहीं इंजॉय करना चाहिए, आप भी करें, आप इंजॉय करेंगे तो आपको न्यू ईयर इंजॉय करने का मजा आएगा ना। अब सो के गुजारेंगे तो फिर तो मुश्किल से नींद पूरी होती है। मेरे घर वाले को पता है, व्यूवर्स को भी पता है कि जो सोनी राणा ना वो बहुत सुस्त है बहुत लेती है, और इनको नींद जो है ना वो बहुत नींद तो पूरी होती रहती है। साल तो एक दफा ही आना है ना, बार बार तो नहीं आना। जी साल एक दफा आना है और एक साल 365 दिन के बाद आना है। सही है जी आशा, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, हमारे व्यूवर्स को भी नया साल बहुत 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 ज्यादा मुबारक हो, और अल्लाह पाक से हसूसी हसूसी दुआ है कि अल्लाह जी प्लीज ये इस साल 2021 में कोरोना जो है वो खत्म हो जाए, और हमारे जितनी भी दुनिया में ये वायरस आया हुआ है सारी दुनिया इस वायरस से जरा दूर हो जाए, ये मुसीबत ख़त्म हो जाए, क्योंकि इस वायरस की वजह से 2020 में बहुत से क्राइसिस आए हैं, बहुत ज़्यादा क्राइसिस आए हैं। लोगों के जो चूल्हे हैं वो भी जलने पे मजबूर हैं, लोगों के पास कुछ भी नहीं है। अगर सर्वे किया जाए, सारा प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो लोगों के पास कुछ भी नहीं है, हर एक के जो हालात हैं वो बहुत डाउन है। तो अल्लाह पाक से गुजारिश है, अल्लाह जी आपकी, आप सब मुसलमान बहन भाइयों पे 2021 की बरसात, खुशियों की बरसात बरसा दे हर एक इंसान के लिए। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए 2021 जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त जाए और बहुत मज़े का जाए, और आपके लिए भी, आपको भी 2021 में कोई खुशखबरी नहीं। कोई क्यों, मुझे 2021 में खुशखबरी चाहिए। अब इतना 2020 इतना मुश्किल से गुजरा, 2021 तो खुशियों वाला होना चाहिए ना। तो वही तो कह रही हूँ ना, खुशखबरी मिलने सिर्फ एक नहीं ज्यादा सारी। आप एक को तो समझे ना, अपनी मंगनी की मुबारक को बताएंगे। बहुत दूर, वो भी बहुत दूर की बात है, 6-7 साल अभी आराम से गुजर जाएंगे। या अल्लाह, मतलब कि मैं 6 साल इस चेहरे को देखती रहूंगी। नो वे, तो आपने नहीं जाना। मैं कह रही हूँ कि 2021 मेरे लिए जो है ना वो खुशियों वाला हो। हाँ, तो आप फिर उस तरह जैसी आप खुशी मुझे दे रही थी, अल्लाह करे आपको जल्दी से मिल जाए।
जी व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक प्रोग्राम नहीं तो ऑन चाइना सिटी 55 पर न्यू ईयर 2021 आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज का हमारा टॉपिक न्यू ईयर ही है, क्योंकि न्यू ईयर में लोगों की बहुत सी उम्मीदें होती हैं, उम्मीदें वाबस्ता होती हैं कि हमने ये करना है, वो करना है, क्योंकि कोई भी दिन आने से पहले हम बहुत कुछ सोच लेते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सबका 2021 बहुत शानदार जाए। 2020 किस तरह गुजरा उस तरह कभी भी किसी का ना गुजरे, क्योंकि 2020 में पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे लिए बहुत दुख का सहारा है, उसमें बहुत से क्रैशेज आए हैं। कोरोना वबा इसने लोगों को बहुत मजबूर किया है, जिसमें हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि जॉबियंस क्या, बिजनेस मैन वगैरह भी, कारोबारी हजरात भी बहुत इससे मुतासिर हुए हैं। तो अब अल्लाह ताला से दुआ है कि जितने भी क्राइसिस हैं वो खत्म हो जाए। कारोबारी नहीं, काफ़ी लोगों के जो बहुत करीब थे वो उनसे दूर हो गए हैं। उम्मीद है कि हमारा 2021 जो है, जिस तरह रात 12 बजे रंग बिरंगे आसमान पे वो ऐसे लग रहा था जैसे सितारे चमक रहे, इतना खूबसूरत वो सीन था। हम इसी तरह चाहते हैं कि 2021 हमारा इसी तरह से गुजरे। बिल्कुल, और आप सब भी दुआ करें सुबह सुबह, अल्लाह पाक दुआ हमारी कबूल करे। और अच्छा, आज है 31st की नाइट, वही ना 31st की नाइट, हर तरफ से फायरवर्क्स की आवाज़ आ रही है और टीवी के प्रोग्राम्स, न्यूज़ चैनल्स देख ले, इस दफ़ा तो जाने का मौका नहीं मिला। अच्छा, मेरे लिए बड़े इंजॉयबल, मुझे और कुछ ना मिले लेकिन मैं कहती हूँ 31st नाइट हर हाल में इंजॉय करनी है। मुझे बस एक चीज़ का क्रेज़ होता है, फन, क्रेजी हो ना मैं थोड़ी सी, तो उसमें जी फायरवर्क और दूसरे सारे कह रहे हो क्या देखने जाना है। सम टाइम हमारे जो थोड़े से देसी लोग होते हैं वो कह रहे हैं क्या तुमने शुरलिंगा पटाखे देखने जाने का, तो इधर ही देख लो। मैं इनको कह रही थी कि वो वाली बात कर रही हैं ये देखिए। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मॉडर्न लुक में भी आपको शादियों में भी वही होते हैं, आप घर बैठ के फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। घर बैठ के नहीं, कहीं और भी जाए, फायरवर्क्स ही देखने जाना है, खाना खाएं, फैमिली के साथ टाइम गुजारे, यही तो टाइम याद रखने वाला है। आयशा को बता रही हूँ, आयशा फायरवर्क नहीं, ये जो पीछे क्राउड होता है और सबके लिए इतना खुशी का मौका होता है कि सब क्या अच्छा है। शाउटिंग सुननी है लोगों के पास, तो मैंने मुद्दे भी तो कर दी होती है। अच्छा, फिर वो तो आप घर में अकेले कमरे में भी कर ले। हाँ, अकेले कमरे में जो एरिया ना मोहल्ले वाले अंदर जो पर्सन है वो मुझे कहेंगे कि पता नहीं ये पागल हो चुकी है। तो आप क्या चाहती हैं कि मैं पागल लोगों को मेल करूं? ऐसा नहीं, आप खिड़कियां वगैरह दरवाजे वगैरह बंद करके करेगा ताकि खुद को भी इंजॉय वाली फीलिंग आए, गाने लगा लें ऊंची सी, बाहर जाके फायरवर्क्स नहीं देख सकती थी, टीवी में लगा के देख लें। आसमान पे रंग बिरंगे वो फायरवर्क से चमका रहे होते हैं और ऐसे स्टार स्टार स्टार्स, इतना जबरदस्त, इतना ब्यूटीफुल, इतना मते के मूवमेंट होते हैं और फिर हमारे सेल फोन ऑन होते हैं और उनको कैप्चर करने का जो मतलब है ना वो कुछ और ही है, और पता नहीं चलता जो भी है, बस आपकी फीलिंग में मुझे नजर आ रही है, फील हो रही है आपकी फीलिंग। और पता नहीं आज मैं अच्छे वाले पॉजिटिव डबल वाले फीलिंग। अच्छा आयशा, अब कुछ लोग कहते हैं कि रात के पूरे 12 बजे आप कोई भी विश करें या कोई भी दुआ मांगे तो आपकी पूरी होती है 31st की नाइट को, ऐसा है? नहीं, दुआ तो किसी वक्त भी पूरी हो सकती है, ज़रूरी नहीं इस मतलब नए साल के 12 बजे दुआ तो किसी वक्त भी पूरी हो जाती है। बिल्कुल, और वैसे भी कहा जाता है कि अगर दिल से में एक लम्हा ऐसा होता है, एक वक्त ऐसा होता है कि जब आप कोई भी दुआ करें तो उसी टाइम आपकी दुआ कबूल हो जाती है, और हम तब कह रहे होते हैं कि इससे अच्छा था मैं कुछ और मांग लेती। बिल्कुल, अगर हमें पता हो तो हम वही चीज़ ना मांग लें जिसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। जी व्यूवर्स, नया साल शुरू हो चुका है 2021, आप सबको हम दोनों की तरफ से नया साल बहुत 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 ज़्यादा बहुत मुबारक हो। हम और की तरफ से नहीं, हमारे चैनल सिटी और हमारी तरफ से भी, पहले मुझे तो बोलना। अच्छा, आपको मैं बुलवाऊंगी, टेंशन ना ले। आप सबको नया साल बहुत बहुत हम दोनों की तरफ से और हमारी पूरी टीम चैनल सिटी 55 की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो।
मुबारक हो और अल्लाह पाक आपको इस साल में ढेरों सी खुशियाँ दे, जिन खुशियों का आपको इंतज़ार है, जिन लोगों के परदेसी भाई नहीं आ सके 2020 में, फ्लाइट कैंसिल हुई है, कुछ लोग हैं जो नहीं जा सके, तो आपको वो जो सारी खुशियाँ ना वो अल्लाह पाक की तरफ से दोबारा मिले, दोबारा दुगनी तिगनी होके मिले। क्या मजे लग रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। जो लोग हमसे दूर हैं, हम ऐसे दिन चाहते हैं जिनको हम अपने फैमिलीज के साथ मिलके गुजारें, उन लोगों के साथ मिलके गुजारें जो हमसे दूर हैं। लेकिन जो भी है, जैसा भी होता है, जो होता है अच्छे के लिए, अच्छे के लिए। अच्छा आशा, मेरी चाय ठंडी हो गई है। अच्छा आशा, 2020 से 2021 में आके क्या फीलिंग है, कैसा लग रहा है? जब नए साल की तरफ आते हैं तो एक अच्छी और पॉजिटिव फील आती है जी। देखें, मजे की बात है कि हम 20-20 से 21 में आ गए, वो एकदम से 12 का एक सेकंड चेंज होता है, हम 21 में आ जाते, एक अजीब सी फील आती है, है ना। अब उम्मीद है कि 2021 भी हमारा इसी तरह, जैसे आज हम खिलखिला के हंस रहे हैं, मजे एंजॉय कर रहे हैं, इसी तरह से हमारा जो 2021 भी इंशाल्लाह ऐसा गुजरे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें 2021 जो है वो नसीब हुआ है। बिल्कुल। और 2021 में हर एक की बहुत सी खुशियाँ होंगी, सब कुछ चेंज हो रहा होगा, फीलिंग चेंज हो रही होंगी। और जिन लोगों की आज बर्थडे है उनको हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे, और स्पेशली माय मॉम, मेरी मम्मा के आज के दिन बर्थडे जी, सोनी की मम्मा। वैसे ये तो कितना अच्छा है, डबल सेलिब्रेशन हो रहा है। टीम में असद भाई की मम्मा की भी बर्थडे आज होती है, तो उनको भी हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे। अल्लाह पाक आपका साया हमारे सरों पे सदा सलामत रखें और आपको ज़िंदगी में और ढेरों सी खुशियाँ मिले। जी व्यूवर्स, आपने कहीं नहीं जाना, यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जब खाने हो दाल चावल तो जुबान पर एक ही नाम आता है, यादगार दाल चावल। गुड फूड, गुड सर्विस, नाम ही हमारी पहचान। इसके अलावा पाकिस्तानी खाने जिसमें मुश्का फिश फ्राई, रघू फिश फ्राई, बाम फिश फ्राई, फिंगर फिश फ्राई, शिंगारी फिश फ्राई, बीफ कड़ाही, चिकन कड़ाही, दाल चावल, बड़े पाए, मुर्ग चने, अंडा कोफ्ता, फ्री होम डिलीवरी। एड्रेस: नज़्द जामे मस्जिद गुलजारे मदीना, बिलमुकाबिल PSO पंप राहवाली, उस्ताद नईम, 0304-982-9017, उस्ताद बिल्ला, 0301-644-1783। खाने के दिलदादा लोगों के लिए उम्दा और लजीज खानों का वाहिद मरकज, अवामी टिका एंड अवामी न्यू फैमिली हॉल, काली मिर्च से तैयार करदा अवामी मटन चॉप, अवामी मटन कड़ाही, अवामी फ्राई फिश, अवामी ग्रिल फिश, अवामी कस्तूरी टिक्का स्पेशल, अवामी मटर मुल्तानी चॉप स्पेशल, अवामी चिकन कड़ाही, अवामी चिकन मलाई टिक्का स्पेशल, अवामी चिकन रेशमी कबाब स्पेशल, अवामी चिकन कबाब, अवामी चिकन टिक्का, अवामी बटेर बारबेक्यू। नोट: बर्थडे पार्टीज और दीगर तकरीबात के लिए हमारी खिदमात हासिल करें। एड्रेस: न्यू मार्केट, जीटी रोड, राहवाली कैंट, गुजरावाला, MD मोहम्मद सजाद, 0300-6436-247। आशा, हम ना खड़े हो गए, थक नहीं थे? मैं भी थक गई थी, इसीलिए कहे थे बैठ, आप बोल ही नहीं थी रही है, मैंने कहा चले शुक्र है बोल तो दिया, कुछ तो बोला तो कुछ खुशियाँ कुछ आंसू, कुछ खुशियाँ कुछ आंसू दे के टाल गया, कुछ खुशियाँ कुछ आंसू दे के टाल गया, जीवन का एक और सुनहरा साल गया, जीवन का एक और सुनहरा साल गया। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा वैसे जैसे जैसे साल जा रहे हैं, लग रहा है ना कि जिंदगी जो है वो कम हो रही है कि बढ़ रही है? नहीं, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो ये फील नहीं किया कि जिंदगी बढ़ रही है नहीं, लेकिन टीम वालों मुझे कोई अजीब बंदा ला के बैठा क्या बच गया? हाँ तो बच्ची हूँ ना मैं अभी। फिकर ला दो। नहीं, इतनी बच्ची नहीं हूँ मैं। सही, और सुनाए दे। मैं ठीक, क्या कहूँ मैं आपको, 2021 और इतनी मजे की हमारी फीलिंग सुबह
सुबह की फीलिंग ही इतनी अच्छी है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारा 2021 बहुत बहुत अच्छा गुजरे। डे भी फ्राइडे का बिल्कुल ऐसे ही है कि जुम्मे का दिन तो क्यों ना बेहतरीन हो। वैसे कहा जाता है मुसलमानों, कहा नहीं जाता, हकीकत है, मुसलमानों का साल जो है ना वो यकम मुहर्रम से स्टार्ट होता है इस्लामिक महीने से, लेकिन हमारे जो त्यौहार हैं वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मनाए जाते हैं। ईदैन होगी, रमज़ान, शवाल, रजब, शबेरात, ईद उल अज़हा, ये जितने भी हैं ये हम इस्लामी साल के ज़रिए मनाते हैं, इस्लामी साल जो हमारा होता है। लेकिन हमारा ज़िंदगी का जितना भी कारोबार है वो इसी साल के ऊपर चलता है। हमारी सैलरीज जिसको हम लोग कहते हैं ये तो अंग्रेज़ों का साल होगा, लेकिन हमारी बर्थडे इन्हीं डेट पे सेलिब्रेट होती हैं, यहाँ तक कि हमारे यहाँ शादियाँ भी इसी डेट पे होती हैं। महीनों का हिसाब लगाया जाता है, हमारी सैलरियाँ, हमारे कारोबार, हमारी स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये हर चीज़ इसी साल के ऊपर होती है। जैसे दुनिया चलेगी हमें भी वैसे ही चलना पड़ेगा। बिल्कुल जी आशा, आपने तो शायद मुझसे पूछना या नहीं पूछना, मैं खुद ही आपसे पूछ रही। नहीं, मैं पूछती हूँ ना आज मेरा दिल कर रहा है मैं इनसे सवाल करूँ जी। तो आज आशा को मौका दिया जा रहा है, आशा खुल के बोलें जी। आशा जी, मैं ये पूछूंगी आपसे कि क्या आपका 2020 अच्छा था आपके लिए? आशा कैसा सवाल नहीं पूछना, आप मुझसे भी पूछ लीजिएगा ये वाला। आपको पता है कि 2020 हर एक के लिए खुशगवार साल नहीं रहा, लेकिन इस साल में कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है जो बहुत अच्छा वाकया है लोगों के लिए। जो गरीब और गुरबा लोग थे, जो शादियां नहीं थे कर सकते धूमधाम से, उन लोगों को बेनिफिट हुआ है कि 10-12 बंदे बुलाए, निकाह किया, बेटी को रुखसत कर दिया। बिल्कुल ऐसे उन लोगों के लिए ना ये बहुत अच्छा था। और आपने नोट किया कि कोरोना के डेज में बहुत शादियाँ हुई हैं। कोरोना 2020 में मार्च को स्टार्ट हुआ है, 26 को आई थिंक, तो 25 या 26 को लॉकडाउन हुआ है, और फिर लॉकडाउन मई तक गया, मई जुलाई तक गया। बिल्कुल, फिर ये जी थोड़ा सा ठीक हुआ है, फिर नवंबर में आई थिंक तो लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। ऐसे ही है, नवंबर की भी लास्ट डेट 26 को ही। मतलब कि 26 क्या है क्यों क्या हो गया? मतलब कि देखो मार्च में भी 26 से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, और ये नवंबर में भी आई थिंक तो 26 से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ। जो फर्स्ट छुट्टी आई थी ना वो 26 की है। अच्छा। तो उसके बाद इस साल में हर एक को क्राइसिस पेश आया, हर एक को मुझे क्या, जितने भी लोग हैं सबको आप किसी से भी पूछ रहे ना, उन्होंने कहना कि हमारा 2020 अच्छा नहीं गुजरा। और बहुत से लोगों ने अपनों को खोया, जिन्होंने अपनों को खोया अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, और उनकी फैमिलीज को सब्र जमील अता करे। मौत तो आनी ही आनी है, मौत पर हक है, और मौत का जायका हर इंसान ने चखना है। लेकिन जो कोरोना की वजह से अमवात हुई हैं वो हमारे लिए बड़े दुख का बाइस हैं, और कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। बिल्कुल, ये अगर स्टार्टिंग में था भी तो ये था कि 2-3 मंथ्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, लेकिन ये पूरा साल ही हमारा इसी तरह से गुजर गया। अब उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट ऐसी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि नेक्स्ट कुछ ऐसा हो। हमें अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, जितनी अब थोड़ी सी तो ज़िंदगी है उसको तो अच्छे से गुजारनी चाहिए ना। बिल्कुल, और आशा कुछ हमने फैमिलीज देखी हैं, ऐसी ऐसी फैमिलीज के मैं हैरान परेशान हो जाती हूँ कि वो लोग पता नहीं कैसे सरवाइव कर रहे हैं। अगर बात की जाए, दिन हमारा बहुत अच्छा है, खुशियों का दिन है, अगर बात की जाए तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके घर जो है ना बड़े मुश्किल से चलते हैं। बिल्कुल, और कोरोना की वजह से तो और ज़्यादा। जो प्राइवेट टीचर्स जॉब कर रही हैं, जो प्राइवेट टीचर्स हैं फीमेल्स, वो भी अपना सिस्टम किसी ना किसी तरीके से चला रही होती हैं, उन लड़कियों के लिए बहुत क्राइसिस हैं। सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, जितनी तकरीबन मुझे लगता है प्राइवेट जॉब्स हैं ना उन सब में ये इशू है। टीचर्स तो हैं, उनमें बच्चे भी आ जाते हैं, फिर जितनी प्राइवेट जॉब जितनी भी है ना वो उनके साथ यही इशू है। गवर्नमेंट का तो चलता ही रहेगा, उनका तो कोई सीन बंद नहीं होगा, लेकिन प्राइवेट सबका ही, टीचर्स का नहीं, सबका ही इशू है। आशा मैंने ना एक फैसला किया, मैंने अपनी आने वाली नस्ल को ना डॉक्टर ला अगर हालात अच्छे रहे। अभी भी यार दुआ करो कि अच्छे हो, उम्मीद इंशाल्लाह 2021 हमारा अच्छा जाएगा। जब हमने मेरी बात तो मेरी जो आने वाली नस्ल होगी वो 30 बिल्कुल आप चाहिए तो मेरी ना तुम्हें बहुत जल्दी है नहीं
की बात नहीं है, एक वैसे बात कर रही हूँ नॉर्मल में। अल्लाह करे 2021 आपकी शादी आ जाए, हमें भी इंजॉय करने का मौका मिले आपकी शादी का। जी बिल्कुल जी, ऐसा होना चाहिए, क्यों नहीं। मैं कब इनकार कर रही हूँ, मैं आपकी तरह, मैं पहले भी बोल चुकी, मैं आपकी तरह तो नहीं हूँ। जी व्यूवर्स, खुशियों का अकवाल आया है, आज अपनों को अपनों का ख्याल आया है। मुबारक हो दोस्तों, नया साल आया है। कब तक जियोगे नफरतों के साए में, कब तक जियोगे नफरतों के साए में। दिल से प्यार का सवाल आया है, दिल से प्यार का सवाल आया है। बुला दो शिकवे गिले, अदावत का जवाल आया है। बन के खुशी अपनों का पैगाम लाया है। मुबारक हो दोस्तों, नया साल आया है। बहुत 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 मजेदार है। मुझे गजलें और ये पोएट्री वगैरह समझ नहीं आती, लेकिन ये समझ में आ गई। काफी अच्छा और काफी मजेदार था, इसमें इनडायरेक्ट सबके लिए मैसेज भी था। और कितनी जबरदस्त बात है कि आज अपनों को अपनों का ख्याल आया है। वही ना, कि एक इनडायरेक्ट मैसेज है सबके लिए। और जो हमारे नियर डियर वंस होते हैं, वो हमारी इतनी केयर करते हैं, और ये ऐसा मौका होता है। खासतौर पे हैप्पी न्यू ईयर हो गया, उसके बाद जितने भी हमारे त्यौहार होते हैं, इतना अच्छा लगता है कि मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं, और मुझे तो रात 12 बजे स्टार्ट हो गया जी, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। और वो जो मैसेज की टिन 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 होती है, उसका अपनी मजा आता है। एक बर्थडे विशेस का और एक ये न्यू ईयर का, मुझे बहुत मजा आता है। मैं आपको बताने की बात बताऊँ, मुझे सबसे जो अच्छी चीज़ लगती है ना, वो एक लगती है कि एक तो मैं कहती हूँ कि ऐसे जितने भी मूवमेंट्स होते हैं ना, जिनको हम कभी भुला नहीं सकते, हमारे लिए बहुत यादगार बनाए जाए। और दूसरा जो सरप्राइज, किसी को मैसेज करना, सरप्राइज कॉल करना, और उसके साथ सरप्राइज गिफ्ट देना। वैसे ना मुझे सरप्राइज पसंद है, लेकिन मुझे डर लगता है सरप्राइज से, कोई उल्टा सीधा सरप्राइज पटाखा ना निकल आए। हाँ, कोई वो जिन टाइप हो जो आजकल गिफ्ट्स निकले हुए, लेकिन मुझे पसंद है, लेकिन मुझे डर लगता है सरप्राइज से। कोई बात ही कह देना कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, जब तक मैं उससे पूछ नहीं ना लूंगी कि क्या सरप्राइज है, मैं वो सरप्राइज रहने नहीं देती, मुझे डर लगता है। ये बड़े मजे मजे के सरप्राइज होते हैं, थोड़ी नहीं। अब मुझे ना सबसे जो अच्छी चीज लगती है ना, वो एक लगती है कि गिफ्टिंग। बस गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट तो मुझे भी चाहिए, गिफ्ट किसे नहीं चाहिए होते, हर एक को चाहिए होते हैं। बिल्कुल हर एक को चाहिए होते हैं, लेकिन वो ऐसे गिफ्ट देना जिनकी हमें जरूरत हो। ये जो 2021 है, ये वैसे तो आउट ऑफ कंट्रीज अब्रॉड में 15 दिन तक सेलिब्रेशन होती है, लेकिन पाकिस्तान में एक दिन ही होती है, ये भी हमारे लिए। और लास्ट टाइम गुजरांवाला का एरिया ऐसा है कि यहाँ एक दो पटाखा की आवाज़ आती है, पटाखा चला दिया जाता है। हाँ, वो दूर दूर से कहीं से ऐसे टी हाउसिंग स्कीम टाइप कैंट वगैरह साइड पे थोड़ी सी होती है रौनक आता है। और जो सबसे ज्यादा मजा आता है ना, जो सबसे ज्यादा मजा है, वो लाहौर वालों, इस्लामाबाद वालों, कराची वालों को आता है। वो फिर जितने भी हमारे लाहौर वाले, इस्लामाबाद वाले हैं, दोस्त अहबाब रिश्तेदार, वो जब स्टेटस अपडेट कर रहे होते ना, हमें जेलस फील करवा रहे हो। जब आप वहाँ नहीं होती तब, और मैं रट लगा रही होती मैंने जाना है, जैसे अभी इन्होंने रट लगाई हुई है कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, और मुझे पता है ये जाके रहेंगी। वैसे मैंने जाना है, लेकिन मैंने देखा, फाइव वक्त तो गुजर चुका है, वो तो मैं देख नहीं सकी। हाँ, वो तो मैं नहीं देख सकी ना, अगर मैं गई होती तो फिर था। लेकिन अब जो मैंने जाना है, अब तो मैंने चलने कोई एंगेजमेंट या कोई इस तरह का त्यौहार जो भी है, सॉरी इवेंट, इस तरह का इवेंट जो है वो अटेंड करने जाना है, मैंने और क्या करने जाना है। फाइव वक्त गुजर चुके हैं, इससे निकल गया था, आपकी बददुआ लगी है मुझे। नहीं, मैंने तो नहीं सिर्फ बददुआ दी, मैंने कहा चले अल्लाह करे आप चली जाए, तो अब मैंने तो नहीं था कहा कि अल्लाह जी ना जाएंगे। अच्छा अच्छा, आप बताएं, आप 2021 में आपने कोई उम्मीदें लगाई हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, जो भी है? सर 2021 ही नहीं, मैंने कभी ये कुछ भी सोच के नहीं किया कि मुझे ये करना है। अच्छा, कभी मैंने कभी प्लानिंग नहीं की, प्लानिंग करके मुझे लगता है काम खराब हो जाता है, वो उस चीज़ का मजा नहीं रहता। सीरियस, मतलब अब आप अचानक जो एक चीज़ करेंगे, अचानक फैमिली के साथ प्लान बन गया, दोस्तों के साथ जो प्लान बन गया, उसका तो फिर अपना मजा आता है ना। प्लानिंग करके ही पता होता है, हाँ अच्छा जाना है, ठीक है तैयार हो गए चले गए, लेकिन जो अचानक हर चीज़ का मजा ना, उसका तो फिर अलग ही मजा है। और जो आप प्लानिंग करती है ना मैडम, मेरी बात भी सुन रहे हैं। जी जी बिल्कुल, जो आप प्लानिंग करती है ना, समटाइम हमारे प्लानिंग के
के अकॉर्डिंग काम ही नहीं होता और हम नहीं जा पाते। वही ना, वो फिर मायूस भी तो हो जाता है ना। मतलब की बात है, मैं पहले क्या कहती हूँ, मैं कहती हूँ ख्वाब देखा था और ख्वाब तो होते ही टूटते हैं। नहीं ऐसे नहीं ना होता, वो फिर वो वाली फीलिंग तो नहीं ना आती। मेरी ये वाली फीलिंग चेक करो, ख्वाब देखा था, ख्वाब तो होते ही टूटने के लिए है। नहीं सजना, ख्वाब तो होती टूटने के लिए है। आपके अंदर कौन सी पुराने जमाने वाली रूह आ रही है? आज मेरे अंदर पुरानी हीरोइंस की रूह आ रही है। अच्छा। क्या मजा था उनका। जी व्यूवर्स, यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक और फिर हम थोड़े से सॉन्ग्स गुनगुनाएंगे और आशा से भी सुनेंगे और खुद भी थोड़ी इनसे भी सुनेंगे। मैंने अकेली ने नहीं आज करना, आज ये भी मेरे साथ करेंगे। जी आशा, फिर हम ब्रेक ले लें। आशा ब्रेक ले लें। जी नाजरीन, इसी तरह से हमारे और मजेदार सी बातें चलती रहेंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। अपने ख्वाबों को दें हकीकत का रंग, मेगा स्टेट के संग DHA की खूबसूरत लोकेशन, पुरसुकून माहौल। अब DHA में रहायश हर किसी की पहुंच में। मेगा स्टेट DHA फाइल सेल ऑफिस, एक बावकार तर्ज रहायश, 5, 8, 10 मरला फाइल्स अवेलेबल। इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन मौका, DHA कैंट गुजरांवाला में फाइल्स कैश और आसानी के साथ पर। इसके अलावा DC कॉलोनी अस्करी फेज 1-2-3 बाजार एरिया में प्रॉपर्टी की फरोख्त का बाएतमाद इदारा मेगा स्टेट। चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद इरफान हमीद चौहान। एड्रेस बिलमुकाबिल DHA ऑफिस, फेस GT रोड, राहवली कैंट गुजरांवाला। कॉन्टेक्ट नंबर 0003-1-4643-580-0300-7712-0558-288-444-0300-0600-7709-0324-733-927। फिर नया साल, नई सुबह, नई उम्मीदें। फिर नया साल, नई सुबह, नई उम्मीदें। ऐ खुदा, खैर की खबरों के उजाले रखना। ऐ खुदा, खैर की खबरों के उजाले रखना। जी वेलकम बैक व्यूवर्स। जी वेलकम बैक व्यूवर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिका और मेरे साथ है आशा ईमान। आशा ईमान, बिल्कुल। और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, हमारा नहीं बल्कि आपका अपना प्रोग्राम नई सुबह ऑन चैनल सिटी 55। जी आशा जी, कैसा लगा आपको शेर? कितने मजे की बात है। मैं शेर और शायरी तो आप ही कर सकती हैं, मुझे तो एक तो समझ नहीं आती, दूसरा मैं बोल भी नहीं सकती। या अल्लाह, टीम वालों मेरे साथ क्या बिठा रखा है, क्या बिठा रखे, इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत लड़की बिठाई हुई है। अपने मियां मिठू, अपने मियां, अब कोई तारीफ ना करे तो खुद तो करनी पड़ती है ना अपने आप की। तो क्यों ना आशा, न्यू ईयर है तो अंताक्षरी खेली जाए। जरूर, क्यों नहीं खेली जाए। हाँ क्यों नहीं, आपसे शुरू करते हैं। आज ना हम थोड़ा पंजाबी उर्दू को मिक्स अप मिक्स करके, ठीक है। अच्छा, मेरा ना कभी कभी दिल कहता है, वो मुझे सुल्तान राय की मूवी बड़ी पसंद है जिसमें अंजुमन ना वो बग्गी में बैठी होती है, और वैसे मैंने नहीं देखी, आप सुना है। मैं आपको बताती हूँ ना, मेरा कभी कभी दिल करता है कि मैं पुराने तुम्हारे में जाऊँ जिसमें वो कह रही होती है, जंजरिया पहना दो, बिंदिया भी चमका दो, की नाए मेरे साजदा, मेरी बिंदिया पे लिखवा दो, जंजरिया पहना दो। जी दाल से, दाल से मुझे जो आएगा मैं वही गा दूँ, मुझे दाल से, दाल से। अब किसी से भी शुरू कर देते हैं, मुझे नहीं, जब ऐसे खेलने लगते हैं ना तो भूल जाते हैं कि कहाँ से कौन सा गाना स्टार्ट होता है। दाल से स्टार्ट करेंगे। आप मुझे फिर सजेस्ट कर दें, मैं फिर गा दूँ। मैंने अगर इसको सजेस्ट कर दिया तो मैं क्या करूँगी, करी करे ना कोई। दाल से वो अब कौन सा गाँव है, आप मिक्स करें, जो जो आते हैं बोली जाए, मुझे जो आएगा ना मैं बोलती जाऊंगी। अच्छा चलें, मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है, इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है, साथ छोड़ूंगी ना तेरे पीछे,
पीछे आऊंगी, छीन लूंगी या खुदा से मांग लाऊंगी, तेरे नाल तकदीरा लिखवाऊंगी मैं तेरे। नहीं आपके साथ नहीं। जी अब आपकी बारी। क्या था? लिखवाऊंगी लिखवाऊंगी जिसे मर्जी शुरू कर ले गाने गाने ना गी। ये आएगा ना ये। हाँ ये अब इसने मुझे कहा था। देखिए अब आपको भूल गया ना, मैं भी दाल पे फंस गया था। ये से ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो गए परदेसी के तेरा यहाँ। ये स्पेशली उन गर्ल्स के लिए जिनकी 20 और 21 में शादी हो रही है। तेरा यहाँ कोई नहीं, ले जा रंग बिरंगी यादें, हंसने रोने की बुनियादें, अब हम तो भए परदेसी के तेरा यहाँ कोई। 2021 का शुरू है, हम इतने दुखी गाने क्यों गा रहे हैं? दुखी तो नहीं, अब जो आया वो बोल दिया। अच्छा चले नेक्स्ट। नून से भी मुझे वो सैड गाना याद आया। तो कोई बात नहीं, बोलते हैं। नैना लगिया बारिशां के सुख सुख सपने भी पिज गए, नैना लगिया बारिशां रोवे पल कादे कोने विच नींद मेरी। मैनू नहीं आंदा। कहाँ पे आपने कैंट किया? मेरी फिर ये आ गया। चले क्या क्या आ गया? ये आ गया बिल्कुल। फिर ये आ गया बिल्कुल। अब मैं क्या कहूँ? क्या कुछ भी गा ले। मैं कौन सा जो है अंताक्षरी खेल रही हूँ। हमने तो एंजॉय करना है जैसा मर्जी। यादें हैं बीगी बीगी यादें, बस इतनी ही याद है। ये तो गलत बात है, दो लाइन तो कम से कम होनी चाहिए ना। कोई और गा दें। दिन भी अच्छा है और मजा भी आ रहा है। मुझे तो शो करने का मजा ही बड़ा आ रहा है। कक करीना बिल्कुल जी। वो एक इब्राहिम हक का था सॉन्ग, मुझे याद नहीं आ रहा। हमने शायद पहले भी वो गाया हुआ। क्या था वो? कौन सा? इब्राहिम हक का। हाँ इब्राहिम के इतने सॉन्ग में इतने इतने मजे के। आज आपके ऊपर एक वो क्या था, बड़ा मजे का है, एक तिखा जिया नक ते मोटी मोटी यार। हाय हाय इतना वो बड़ा मजे का है। और भी इब्राहिम हक के बड़े उसके वाकई में बहुत मजेदार से गाने हैं। और इब्राहिम के इतने ज्यादा हैं, कोई भी बोले हतिका क्यानी के बड़े मजे। हतिका क्यानी के बूहे बारियां ते नाले कंदा टपके, बूहे बारियां ते नाले कंदा टपके, मैं आवांगी हवा बन के। बूहे बारियां हाय बूहे बारियां। हमारे जितने भी पाकिस्तानी सिंगर्स हैं उनकी आवाज़ तो कमाल है, फिर गाने भी कमाल की गाते हैं, है ना। कोई ब्रावो हक के भी बड़े बड़े मजे के सॉन्ग हैं। और फिर उन्होंने जट्टों को शोहा किया हुआ है। नहीं उनके गाने सुनने का मजा ही बड़ा आता है। वो याद आ गया गाना, चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। दिल मेरे नहीं आता ये गाना बड़ा। हम अपने प्रोडक्शन टीम को कह देते वो लगा देंगे। एक मिनट मेरी बात सुने। अच्छा, ये सॉन्ग किसका है? प्रोडक्शन टीम अभी कोई भी। अच्छा एक मिनट ये तो उसका है, अली जफर का। दिल बोले देखूं उसे दिल झूम 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 जाए, नजरे में लाए दुनिया हाय हाय। आता मतलब इतने मजे के सामने इब्राहिम हक के जो है वो सारे पंजाबी और बड़े मजे के हैं।
और मुझे एक ना पंजाबी गाना याद है, वो थोड़ा सैड सा लेकिन मजेदार सा। कोई बात नहीं, आप सुनाएं। वो वाला है, मैंनी कहंदा साहा च समा के रख लैनी, दिल वाले शीशे च जड़ा के रख लैनी, मैनू पैरां दे विच रोल पावे, तू कखां दे विच तोल पावे, चाहे प्यार नाल ना बोल पावे, बस इन्ना नेड़े रख ले के जींदा रह जावा, इन्ना दूर भी ना होवी किथे कल्ला रह जावा। ये मुझे बड़ा पसंद है, बाकी बहुत है ना है। और आजकल जो लोग सुन रहे हैं वो बगो पगो क्या नहीं, वो था वो कॉलेज लिबास दी शकीन ने कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो। और गाना सुनने का मजा आता है। अच्छा एक और है, वो क्या मुझे तो आ ही रहा, बग्गो का बिल्लियां हाँ, बग्गे 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 बिल्लियां की करेंगे ऐसे करके, ये कुछ मुझे आता नहीं है। फिर उसके बाद ये बड़ा जा रहा है, क्या बात है ओ जट्टा क्या बात है, कल दसी की देना बिताई रात है, पक्का ओ देना भी तारे गिने होंगे, क्या बात है क्या बात है। हमारी टीम की लाइबा है वो बड़ा मजेदार, हमारी टीम की नहीं लाइबा को आप देख भी रहते हैं, लाइबा विद गपशप विद लाइबा में लाइबा का प्रोग्राम हमेशा उल्टा हो जाता है। शुरू से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लाइबा विद गपशप, गपशप विद लाइबा, बिल्कुल। और हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, जितना भी गुजरा वाला एरिया है, गुजरा वाला क्या, अब तो लाहौर लाइबा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से लाइबा को हर एक देखना चाह रहा होता है, और हर एक की दिल अजीज हो चुकी है। और आज भी लाइबा ने इधर हाजिरी देनी थी लेकिन नहीं वो पहुंच नहीं आ पाई, नहीं तो आप उनके, हमने कहा बोलना था, उसने नहीं था चुप होना बोल बोल के गाने, बिल्कुल। और वो आजकल बहुत बिजी जा रही है जी, बिजी से बिजी 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 जा रही है। और फिर उसके मजे की बात यह है कि जो रात को कुछ दिन पहले हमारा एक ऑफिस लॉन्च हुआ है, तो उसमें जी अकरम उदास साहब आए, तो उन्होंने भी लाइबा की बहुत तारीफ कर दी है कि मुझे जेलसी फील हो, अच्छा जेलसी हो रही थी जी। व्यूवर्स हम मजीद आपसे गपशप करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तुझ में रात मेरी, तुझ में दिन मेरे, लम्हा एक जीऊँ ना मैं तो बिन तेरे, है तेरे साथ सफर जाना मुझे है किधर, के बीत जाए तुझ में ये उम्र, एक पल की भी अब तो दूरी ना मुझको देना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। बाकी आपको दुनिया से क्या लेना क्या क्या मतलब है, क्या दुनिया से क्या लेना, मतलब कि हम आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखते। नहीं, मैंने तो सिर्फ गाना गाया था। अच्छा गाना गाया था, ओहो आशा ऐसी वैसी फीलिंग नहीं है, वापिस आ चुकी है, क्या हो गया। अच्छा वापिस नहीं, मुझे पता था मैं वापिस आ गई हूँ इसलिए मैं गाना गा रही थी। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सोप ऑन चैनल सिटी 55 विद आशा ईमान एंड सोनी राणा। और मजे की बात ये है कि नया साल है, हमारी फीलिंग्स भी नई नई है जी में जी। अच्छा अच्छा एक बात बताऊँ मैं आपको जी, जरूर। ये जो नया साल है ना, आप उसे शर्त लगा लें, एक साल से ज्यादा नहीं रहेगा क्या आपने ड्रामे बाद में से खेली है क्या, नया साल एक साल से ज्यादा रह सकता है? हाँ ना, मुझसे आप शर्त लगा ले, ये एक साल जो मैं भी लगा लेती हूँ, ये जो नया साल है ना, एक साल से ज्यादा टिक ही नहीं सकता। हाँ तो मैं भी लगा लेती हूँ उस बात पर दोनों, फिर फिर हारेगा कौन हद है मैं शर्त इसलिए नहीं लगाती क्योंकि मैं हार जाती हूँ जी व्यूवर्स। कोई बात नहीं, हार में जीत होती है। वो आपने सॉन्ग नहीं सुना, उसमें मुझे एक बड़ा मजे का लगता है, याद है मूवी क्या है, ओए बेबी इस तरह करके सॉन्ग है उसमें, ओए बेबी चमकती शाम है, गल 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 नहीं छन 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 छनकती चूड़ियां, जस्ट लाइक दैट। उसमें ना मुझे एक
चीज बड़ी मजे की लगती है, वो कहती है सुन लो हार तुम्हारी होगी। उसने कहा ठीक है हार हमारी होगी लेकिन वो जीत से प्यारी होगी। वो कहता है माना हार हमारी होगी लेकिन वो जीत से प्यारी होगी। इतना ये मुझे बड़ी अट्रैक्टिव लाइन लगती है। ये मूवी मूवी भी बड़ी मूवी मतलब क्या फ्लॉप गई है? नहीं फ्लॉप गई, इतनी अच्छी मूवी थी, इसके सारे सॉन्ग भी इतने मजेदार थे। लेकिन ज्यादा मूवी जो है ना वो ब्लॉकबस्टर पे फ्लॉप गई है लेकिन अच्छी है। जिसको जिसको गाने पसंद आ जाए ना उसको मूवी भी पसंद आ जाती है। गाने अच्छे होने चाहिए। हमें तो फैमिली मूवीज वैसी बड़ी पसंद है। हाँ फैमिली फैमिली मूवीज ही देखनी चाहिए आजकल। अच्छा हम उनको नहीं प्रमोट कर रहे, हम अपनी बात कर रहे हैं जी। व्यूवर्स नया साल है और नए साल में बहुत सी प्लानिंग होती हैं, बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं कि हमने ये काम करना है वो काम करना है, कुछ ने यूनिवर्सिटी जाना है, कुछ की एंगेजमेंट हुई होती हैं तो उनकी शादी जी शादी कर देनी है, कुछ के भाई ने बाहर से आना होता है, किसी के ने बाहर जाना होता है, भाई ने किसी के हस्बैंड ने आना होता है और किसी के हस्बैंड ने जाना होता है, क्योंकि जिंदगी का तरीका कोई आ रहा है कोई जा रहा है और जीने का मतलब भी है, क्योंकि जिंदगी जो है वो चल रही है और चलती रहेगी। जिस तरह एक साल नहीं रुका नया साल आ गया, उसी तरह हमारी जिंदगी है, जिंदगी कभी रुकी नहीं है और ना किसी के जाने से फर्क पड़ता है और ना ही कभी किसी के आने से भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस जितनी लोगों को उतनी अहमियत दें जितनी वो बिल्कुल जितनी वो काबिले कबूल हों और काबिले बर्दाश्त हों। कभी भी किसी को ज्यादा अहमियत ना दें, ज्यादा अहमियत दे के पता चल जाता है कि लोग जो है ना वो किस तरह के। जिंदगी सिर्फ अपने लिए जिए, अपनी फैमिली के लिए जिए और खुश रह के गुजारे, ये रोध हो के क्या गुजार देनी जिंदगी, इतनी सी तो जिंदगी। वो एक टिकटॉक पे भी है ना, इतनी सी तो जिंदगी उसमें भी सोने नहीं देते। वो ही बात हो कि इतनी सी तो जिंदगी उसे भी ना एंजॉय करें अब। इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का, इतना सा टुकड़ा चांद का। आगे आगे नहीं आता। अच्छा चले छोड़ इसको। जी आशा आप बताएं आपकी कोई है, हम अपने व्यूवर्स को कहेंगे जी व्यूवर्स हम आपको कहना चाहेंगे कि आप इस साल को खूब इंजॉय करें और इबादत भी करें, अल्लाह पाक से दुआ करें क्योंकि दुआ जो है वो तकदीर बदल देती है और दुआ के आगे कुछ भी नहीं है। अपनी ज़िंदगी को जिए, कभी भी आप लोगों को पे फोकस ना करें कि वो इस तरह करें तो हम इस तरह करेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारनी है, आपने जो करना है वो करें, लोगों को ना देखें। लोगों का काम है कहना, वो कहेंगे जो आज आपको कह रहे ना ये ना करो, कल को वही लोग आपका साथ देंगे और वही कहेंगे कि ये हमारा कज़न है, ये हमारा रिश्तेदार है। आपने जो करना है आप करें, दिल लगा के करें, मेहनत करें, कोई बात नहीं। आगे आगे बात आ जाती है पैसे पे कि पैसा है तो पैसे को सलाम। मैंने काफ़ी लोग ऐसे देखे हैं कि पहले तो उनको पूछते नहीं हैं, जब उनके पास पैसा आ जाता है, जी ये मेरी कज़न है, जी ये मेरी फूफो की, नहीं मैं एक मिसाल दे रही हूँ क्या कर रही है, वो कहते हैं जी ये मेरी कज़न है, मेरी फूफो की बेटी, इनसे मिले, आपके साथ आपको ऐसे फील कराएंगे जैसे वो उनका आपके बगैर या आपका उनके बगैर गुजारा ही नहीं है, और उससे पहले आपको पूछते भी नहीं है। और जी 2020 अगर अच्छा नहीं गया, बुरा गुजरा है तो कोई बात नहीं, अल्लाह पाक ने 2021 आपके लिए बेहतरीन रखा है और आपके लिए बेहतर नहीं बेहतर से बेहतरीन होगा। आप अच्छे की उम्मीद रखें, कभी भी बुरे की उम्मीद ना रखें और हमेशा अच्छा अच्छा सोचें, अच्छा अच्छा होगा। कभी भी आपने नेगेटिव नहीं सोचा, नेगेटिव सोचेंगे तो फिर अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा इसमें खुश ही नहीं है, तो आपको जितनी खुशी मिलती है आप उस खुशी में खुश रहा करें। आज हमारा दिन बड़ा खुशगवार है, मज़ा आ रहा है और जुम्मे का दिन है और उसके साथ जुम्मे में खास तौर पे जुम्मे की नमाज में प्लीज़ आप हमें भी दुआ में याद रखिएगा और इबादत भी करें, और इबादत तो लाजमी है। और जी आशा आप कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि मे दिस ईयर आपके जितने भी गोल्स हैं, आपकी अचीवमेंट्स हैं, आपकी हैप्पीनेस है, वो आपको सब मिले जो आपको 2020 में नहीं मिला था। मैं तो चाहती हूँ 2020 से हम समझे कि हमारी लाइफ में आया ही नहीं था, इस तरह से होना चाहिए। दुआ है कि आप लोगों को आपकी तमाम तमाम खुशियाँ मिलें, आपको जो गोल्स चाहिए, आपको जो अचीवमेंट्स चाहिए, वो सारी आपको मिले। आमीन। अच्छा आशा हमारे पास ना स्टूडियो में इस वक्त एक नन्ना सा मेहमान भी मौजूद है, तो क्यों ना मैं वो आगे गाना गा रही थी, उसका फेवरेट गाना शायद उसको भी आता हो, उससे भी हम सुनते हैं। जी हम अपने ना जो नन्ने मुन्ने मेहमान ना उनके लिए इतनी सी जगह बहुत है, तो हम बुलाते हैं जी हुज़ैफ़ा। हुज़ैफ़ा आ जाएं, आप किधर हैं हुज़ैफ़ा, आ जाएं।
आज शर्माना नहीं, आज आप दुनिया को दिखाए यार। हाय क्या अच्छी एंट्री थी बच्चे की, है ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? वो और शर्मा है, कैसे हैं आप? ठीक हो? गाना सुनाएंगे हमें हैं? चले सुनाए फिर, चले जी शुरू हो जाए। मैं इस पे सुनाऊंगा, इस पे सुनाएंगे। चले आप बस इधर बोले, आपकी आवाज जाएगी। चले सुनाए। चले आप गाना तो मैं सुनाए ना। चले मुझे सुनाए आप सॉन्ग। आपने भी घुमाट नहीं होना। ठीक है, मैं आपके साथ गुनगुनाऊंगी। देख ले भाई, देख ले व्यूवर्स, कह रहे हैं आपने भी होश नहीं होना, आपने भी मेरे साथ गुनगुनाना। चले मैं आपके साथ गुनगुनाती हूँ और साथ में आंटी आयशा भी गुनगुनाएंगी। चले ठीक है, शुरू शुरू। चुप रहो। हाँ ठीक है, चले शुरू हो जाए। मैंने कोई अच्छा सा सुनाना पर वो नहीं पसंद आएगा। नहीं हमें पसंद आएगा, आप सुनाए देखें जरा, हमें पसंद आएगा आप सुनाए। सुनाए। बगे बगे बिल्ले अंदर की करेंगी, बिल्लो बगे बिल्ले अंदर की करेंगी, आगे क्या? बिल्ले बिल्ले बगे अंदर की करेंगी, आगे क्या? काले जले बस दिश की नन कुड़ी, दूर दूर जाए मेरे काले रंग तो, काले जले बस दिश की नन कुड़ी, दूर दूर जाए मेरे काले रंग तो। वाह वाह वाह, मजा आ गया हुज़ैफ़ा, जबरदस्त जी। ये जो हुज़ैफ़ा है हमारे साथ गुजरावाला से स्पेशल, हमारे नन्हे मुन्ने से मेहमान मौजूद है और हमें आज 2021 की बेस्ट बेस्ट विशेष देने आया है। और आपको बिना हैप्पी न्यू ईयर जी आशा जी, अब बताएं आपने तो मैसेज भी दे दिया और हमारे साथ नन्ना सा मेहमान भी मौजूद था हुज़ैफ़ा आरिफ, और जिन्होंने हमें बताया कि देखे बच्चों को भी काला लिबास कुछ ज्यादा सूट कर गया। वो बस बच्चों का वो गाने का वो ना जो बेस, वो बच्चे चाहते हैं ना जो बेस इन्हें पसंद है उस गाने में वो बेस है शायद। अच्छा, वैसे हमारे बच्चों को पंजाबी जो है ना वो बोलनी भी बड़ी कम आती है, और पंजाबी लिखनी तो आती नहीं है, पंजाबी सीखनी और बोलने में भी बड़े आवाजदार से होते हैं, लेकिन पंजाबी सॉन्ग ये बिल्कुल, ये खासतौर पे जो लड़के होते हैं ना ये पंजाबी गाने सुनते हैं और इतने अजीब अजीब जिनकी समझ ही नहीं आती। और वो आजकल जो सिद्धू है वो इतना सिद्धू जा रहा है बिल्कुल ऐसे। अच्छा मजे की बात बताऊँ, मैंने बड़ा सुना, कहते हैं जी जो सिद्धू है ना वो इतनी एनर्जी देता है कि बंदे का दिल नहीं करता लड़े, नहीं दिल नहीं करता वो उसके गाने सुनने की। बड़ी मेहरबानी अगर आप मुझे देख ले तो प्लीज, आपकी बड़ी मेहरबानी कि लड़ाई झगड़े वाले गाने ना बोले। मुझे याद आ गया वैसे ना इसका एक गाना मुझे भी पसंद है, वो रैप में नहीं है वो है अज कल वे पल पल वे तेनू देख दिया अखिया चौंदिया ने नसौंदिया ने होइया यादी पकिया अज कल वे पल पल वे पल पल वे। ये बड़ा मजेदार है, मैं ये इतना मजेदार है कि मैंने अभी सुना है। अच्छा आप भी जरूर सुनिएगा, ये बड़ा मजेदार। अच्छा वैसे आजकल जितने भी पंजाबीज है ना वो बड़े हिट जा रहे हैं, पंजाबियों का जैसे कोई टॉकरा चल रहा है। हाँ। और बड़ा मजा आ रहा है जी व्यूवर्स, आपको हमारी तरफ से फिर हैप्पी न्यू ईयर जी व्यूवर्स, आपको हमारी तरफ से फिर हैप्पी न्यू ईयर, और आपको हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इस साल में ढेरों खुशियां अता करें और आपको बहुत सी खुशियां नसीब हों। कभी ऐसा ना हो आपके लिए ये साल गम का साल ना रहे, ना दुख का साल रहे, आपकी ज़िंदगी खुशगवार रहे। और अल्लाह पाक से आप भी दुआ करें और हमारे लिए भी दुआ करें, और हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया ने 2020 में 2020 को बहुत मुश्किल से गुजारा, बड़े क्राइसिस में गुजारा। तो आप सब से हमारी दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप हमें भी दुआओं में याद रखें, और आज का आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें फीडबैक दें, और यूट्यूब पर भी चैनल सिटी 55 को सब्सक्राइब करें और हमारे प्रोग्राम्स को देखें और हमें बताएं, हमें अपना फीडबैक दें, हमें कमेंट दें, हमें टॉपिक के मुताबिक बताया करें, और हमें टॉपिक बताया करें कि हम किस टॉपिक पे ज़्यादा बात करें,
क्योंकि आप हमें राय देंगे तो हम उस पर काम करेंगे। और हमें अच्छा लगता है कि जब आप हमें बताते हैं कि इस चीज़ को इस तरह होना चाहिए और ऐसे होना चाहिए। और जनवरी का मंथ है और जनवरी पे पोइट्री बड़ी बड़ी आला और बड़ी बड़ी कमाल की होती है, लेकिन मैं आज नहीं आपको सुनाऊंगी, सुबह सुना दूंगी क्योंकि जनवरी तो स्टार्ट हो चुका है। जी आशा, आप मैसेज ऑफ द डे कुछ कहना चाहेंगी? मैं फिर वही दोबारा से दे देती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। दुआ है कि आपका ये नया साल खुशियों भरा हो, जितनी अचीवमेंट्स चाहिए आपको, जितने गोल्स आपके हैं अल्लाह करे वो आपके पूरे हो जाएं। और उम्मीद है कि हमारा 2021 इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा, जैसे कि आज का हमारा दिन अच्छा जी रहा। और इसी के साथ हम दोनों को दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर आपसे कल इसी टाइम इसी प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और एक दफा फिर हैप्पी न्यू ईयर, दुआ में याद रखिएगा हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। और दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।